कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों और ममता बनर्जी के बीच सोमवार को अहम बैठक हुई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से हाई प्रोफाइल बातचीत के बाद राज्य के दो हेल्थ अफसरों और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के साथ ही एक और पुलिस अधिकारी को हटा दिया। जहां ममता बनर्जी ने डॉक्टरों की मांगों में से अधिकतर डिमांड मान ली है, उन्होंने डॉक्टरों की 99% मांगे मान ली है। इससे ज्यादा वो और कुछ नहीं कर सकती। ममता तो अब मान गई है, मगर धरती के भगवान अब भी मानने को तैयार नहीं है। आरजीकर अस्पताल में हड़ताल की वजह से करीब 30 से अधिक मरीज की जान जा चुकी है, मगर ममता से बातचीत के बाद भी डॉक्टर हड़ताल खत्म करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। ममता बनर्जी और 30 डॉक्टरों के बीच सोमवार की शाम को बातचीत हुई। डॉक्टरों से मुलाकात के बाद ममता ने डॉक्टरों की 5 में से 3 मांगे मान ली। वो स्वास्थ्य विभाग के 2 टॉप अफसरों और कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को हटाने पर सहमत भी हो गई। साथ ही शहर के उत्तरी क्षेत्र के पुलिस प्रमुख को भी हटा दिया गया, जहां आरजीकर अस्पताल स्थित है, मगर आंदोलन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। आरजीकर अस्पताल के डॉक्टर्स पिछले 38 दिनों से हड़ताल पर हैं। ममता बनर्जी से बातचीत के बाद भी डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म नहीं की है। आपको बता दें, रेजिडेंट डॉक्टरों का कहना है कि जब तक बर्खास्त किए गए अधिकारियों को पूरी तरह से उनके पदों से नहीं हटाया जाता, वो अपना विरोध नहीं खत्म करेंगे। डॉक्टर्स प्रधान सचिव को भी हटाने की मांग कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि वो मंगलवार यानी आज अपना फैसला लेंगे। बताया जा रहा है कि ये डॉक्टर सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई का भी इंतजार कर रहे हैं, शायद इसके बाद भी अपना फैसला लेंगे। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में आज आरजीकर मामले पर सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट डॉक्टरों को हड़ताल खत्म करने को कह चुका है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि अभी उनकी सभी मांगे पूरी नहीं हुई हैं। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल मामले में आंदोलनकारी डॉक्टरों ने ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद कहा कि मांगे पूरी होने तक काम बंद और प्रदर्शन जारी रहेगा। एक और डॉक्टर ने कहा कि कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत गोयल को हटाया जाना हमारी नैतिक जीत है। जब तक मुख्यमंत्री द्वारा किए गए वादे पूरे नहीं हो जाते, हम अपना काम बंद करके स्वास्थ्य भवन यानी स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय पर प्रदर्शन जारी रखेंगे। हम आरजीकर बलात्कार हत्या मामले में संबंध में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई का भी इंतजार कर रहे हैं। सुनवाई के बाद एक बैठक करेंगे और अपना काम बंद करने और प्रदर्शन पर फैसला करेंगे। सीएम ममता बनर्जी और विरोध कर रहे रेजिडेंट डॉक्टरों के साथ 2 घंटों से ज्यादा समय तक बैठक चली। डॉक्टरों ने पश्चिम बंगाल सरकार के सामने 5 सूत्रें मांगी रखी थी, जिनमें न्याय और स्वास्थ्य सेवा में सुधार की मांग की गई थी। उनकी मांगों में एक महिला डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या में शामिल लोगों को कड़ी सजा के साथ साथ आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ कार्रवाई शामिल थी। उन्होंने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल और स्वास्थ्य सचिव नारायण स्वरूप निगम के इस्तीफे, स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा में सुधार और सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के भीतर डर के माहौल को खत्म करने की भी मांग। डॉक्टरों द्वारा मुख्यमंत्री के साथ बैठक पर सहमति जताने के बाद ये बैठक हुई। डॉक्टरों ने ये शर्त रखी थी कि उनके साथ उनके 2 प्रोफेशनल ट्रांसक्रिप्ट राइटर भी बैठक में मौजूद रहेंगे। लगभग 30 डॉक्टरों को लेकर एक पुलिस पायलट वाहन शाम 6:20 पर ममता बनर्जी के आवास पर पहुंचा, जबकि ये बैठक 5 बजे होनी थी। करीब 2 घंटे तक चली ये बैठक 8:45 पर समाप्त हुई। आपको बता दें, आरजीकर अस्पताल में हड़ताल की वजह से मरीज परेशान हो रहे हैं। इलाज ना मिलने की वजह से दर्जनों लोग दम तोड़ चुके हैं। देश दुनिया के ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे समय डिजिटल।